लोग कहते हैं कि ब्रीडर्स कहते हैं कि ब्रीडर्स को बदनाम करते हैं कि आप अपने पुराने डॉग्स दे देते हो, फीमेल्स दे देते हो, मैं आपको 8-8, 9-9 साल पुराने भी अपने कुत्ते दे। इसके यहाँ पर आपने कैसे डिवाइड किए हैं डॉग्स पाजी, ब्रीड वाइज या कैसे? ब्रीड वाइज नहीं है ये, इनके एक्चुअली ग्रुप्स बने हैं। जैसे और इसकी एज कितनी है आप गेस करो, मैं फिर बताऊंगा। ये मुझे बड़ा यंग लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट 1.5 से 2 साल के करीब लग रहा है। 7 ईयर्स। ओके, 7 साल के ये जी। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार इंडियन ब्रीड पे पर्टिकुलर स्पीच दी थी कि जैसे लोगों ने क्या किया, इंडियन ब्रीड्स के इंडियन ब्रीड के साथ वर्किंग नहीं ली हमारी आर्मी ने भी बंदू, तो अब इंडियन आर्मी भी इंडियन ब्रीड्स के साथ काम कर रही है आगे आके। जैसे चाहे DD जी, मुझे लगा पहले 3D। वाओ, और कितनी है इसकी? ये भी फीमेल क्रॉक्स स्कोरी है। ये वाला डॉग मेरे साथ इतनी जगह ट्रैवल की है, इतनी जगह घुमा है साथ। वाओ, सबसे इसकी बेस्ट चीज है ये हग करता है। बोल कम है। अरे वाह। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज मैं अभी हूँ फिलहाल लुधियाना शहर के अंदर, और आज जो है मैं आपको एक ऐसा हस्की का सेटअप दिखाने आया हूँ ना गाइज। ट्रस्ट मी, इंडिया के अंदर ना बहुत सारे कम लोग होते हैं जो एक अपने घर के पास एक अच्छा सेटअप बना पाते हैं, और ये वाला जो सेटअप है बिल्कुल अनोखा है। अभी आप देखोगे तो पहचाने जाओगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंटेन किया गया है। बहुत सुंदर डॉग्स हैं। ज़्यादा समय ना लेते, चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। Myself जय मक्कड़, और मैं बेसिकली लुधियाना से हूँ, खास लुधियाना से। वैसे तो बाय प्रोफेशन मेरी हौजरी है खुद की, लेडीज़ वूलन आइटम जैसे कार्डिगन्स वगैरह हम मैन्युफैक्चर करते हैं खुद, बट डॉग्स आर जस्ट माई पैशन, ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। सो डॉग्स रखना इज जस्ट, और इनको शोज पे लेके जाना ये जस्ट एक पैशन है जी। फुल पावर भाई। तो आइए मैं आपको पाजी से मिलवाता हूँ। कैसे पाजी? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी, आपने क्या सुंदर सेटअप बनाया है अंदर आते ही पूरा एटमॉस्फेयर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। सो गाइस, आप सबसे पहले तो यार यहाँ का सेटअप देखिए, वाओ। पाजी कितना टाइम हो गया अभी ये सेटअप रेडी किए हुए? मेरे को हो गए अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स हो गए, आइए प्लीज। अरे वाओ, अभी सिर्फ 6 मंथ हो गया, मतलब इससे पहले आपका दूसरा सेटअप था यहाँ? मेरा दूसरा सेटअप, एक्चुअली ये अंडर कंस्ट्रक्शन था 1.5 साल से सारा। अच्छा, रेजिडेंस और ये फार्म सारा अंडर कंस्ट्रक्शन था 1.5 साल से। तो रेजिडेंस आपकी फार्म के बिल्कुल साथ ही है? बिल्कुल, एक्चुअली पहले रेजिडेंस है, रेजिडेंस की बैक पे मैंने कैनल बनाया। वाओ, तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सुंदर रूम बनाया पाजी ने, ऑफिस बनाया, और हर एक चीज डिटेलिंग पे पूरा हस्कीज को लेके काम किया गया है ना। वाओ, यहाँ पे गजेट है जो KCI की आती है, और ट्रॉफीज हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी 5th बेस्ट इन शो, 1st बेस्ट इन शो, 3rd बेस्ट इन शो, ये सभी कौन सी ब्रीड की है? ऑलमोस्ट हस्कीज भी हैं, डॉबरमैन की जीती हैं, अभी जैसे लुधियाना बेस्ट इन शो लगा था। अच्छा, अभी रिसेंटली लुधियाना डॉबरमैन 1st बेस्ट इन शो लगा। वाओ, अभी चलते हैं एक पाजी टूर लेके दीजिए। और अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने डॉग्स हैं, कोई आइडिया आपको? 25 से 30 डॉग्स हैं। 25 से 30 डॉग्स हैं, और उसमें हस्की भी हैं और भी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। वाओ, चलो गाइस, तो अभी चलते हैं अभी। तो लो जी, पाजी ने अभी अपनी एक बहुत प्यारी सी हस्की की फीमेल निकाली है। कितनी एज है इसकी? ये प्रॉक्स अभी 4 इयर्स की होगी, ये अभी वियतनाम से इंपोर्ट है। अच्छा, इसका नाम क्या है पाजी? एप्पल। एप्पल, हेलो एप्पल। वाओ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये डॉग शोज वगैरह में भी गई है पाजी? जी, ये अभी तो बेस्ट ऑफ, ये इंडियन चैंपियन हुई इस साल। अरे वाह, इसी साल? जी, इसी साल ही हुई है अभी। एक्चुअली ये उस दौरान सीजन पर आए थे, हम इसको शो नहीं कर पाए अब दोबारा। okay. तो इस साल अभी कोर्ट को पूरे मेरी प्लानिंग है इसको शो करने की इस साल। वाओ, अब जो इस संडे शो है। क्या बात है, एप्पल। वाओ, बहुत प्यारा। इसका कलर कौन सा एग्जैक्ट पाजी, बता सकते हैं आप? ये ग्रे व्हाइट कलर होता है। ये मैंने बहुत मतलब कम डॉग में देखा है, ग्रे व्हाइट कलर आता है। सबसे ज्यादा कॉमन कलर रहता है इसके, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सुंदर जो है सेटअप पाजी ने बनाया है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स बैठे हैं। ये पाजी का साथ में ही रेजिडेंस है। हेलो, ओ माई गॉड, पूरी की पूरी टीम है पाजी। तो इसके यहाँ पर आपने कैसे डिवाइड किए हैं डॉग्स पाजी, ब्रीड वाइज या कैसे? ब्रीड वाइज नहीं है ये, इनके एक्चुअली ग्रुप्स बने हैं। जैसे ये मदर है, ये आगे उसकी 2 बच्चियाँ थी। अच्छा, तो जैसे ये आके कि इनकी पुराने फीमेल, इनका पैक है। अच्छा, एक पूरा पैक में रहते हैं है, इन सब के एक्चुअली ग्रुप बने हुए हैं। कि वैसे डॉग्स लड़ते नहीं है मेरे आपस में, बट दे आर मोर हैप्पी विद देयर ओन ग्रुप्स। हाँ, समझ गया। ये यहाँ पर गोल्डन रिट्रीवर भी है, ये फीमेल है जी, ये सब फीमेल सेक्शन है। अच्छा, अगर मेल सेक्शन अलग है, फीमेल सेक्शन अलग है? सारा फीमेल
और पीछे हम चलेंगे अभी अंदर, आपको लेके चलूंगा सारे सेटअप में, तो पीछे मेरे मिल्स है। वाओ, और यहाँ पर आपके पास पपीज भी हैं? पपीज लिटर रूम के अंदर हैं, वो भी हम जरूर एक बार ही देखेंगे। वाओ, और ये यहाँ पर डॉबरमैन ब्रीड आ गई, और ये व्हाइट वाली ब्रीड कौन सी है पाजी? ये राजा पाली ब्रीड है, इंडियन ब्रीड। अच्छा, ये इंडियन ब्रीड है, एक बार पहले मुझे लगा कि व्हाइट डॉबरमैन है। वाओ, तो आपने यहाँ पे कितने बाय कितने एरिया में पाजी पूरा सेटअप रेडी किया है, कुछ आइडिया? तो मुझे आइडिया, ये एक्चुअली पूरा जो मेरा कैनल है ये प्रॉक्स 500-550 गज में है। वाह, ओके गाइस, अब एक बहुत अमेजिंग सा जो है मेल हस्की निकाल के लाया पाजी अपना, इसका नाम क्या है? थॉर। और इसकी एज कितनी है? आप गैस करो, मैं फिर बताऊंगा। ये मुझे बड़ा यंग लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट 1.5 से 2 साल के करीब लग रहा है। 7 ईयर्स। ओके, 7 साल के ये जी। वाह, और आपके पास कितने टाइम से अभी? मेरे पास इसको हो गए 2 साल। अच्छा, तो आपने ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का जब ये था आपके पास आया। वाओ, इसके बच्चे वगैरह भी आपके पास होंगे? इसके हुए से इंपोर्ट है, इसी का ही अभी लिटर हुआ है मेरे पास। वाओ, मैं इसको प्यार कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रेंडली है। अरे वाओ, ये US इंपोर्ट है। और शोज वगैरह में? शोज ये इस साल अभी एक्चुअली लास्ट ईयर हमने शो नहीं किया था इसको। अच्छा, तो ये इस साल शो हुआ डॉग, इसको हमने इंडियन चैंपियन किया सबसे पहले, फिर ये फिफ्थ बेस्ट इन शो लगा, अभी संडे मोगे शो था, ये सेकंड बेस्ट इन शो लगा और थर्ड बेस्ट इन शो लगा। वाह वाह, बहुत सुंदर है। अरे अरे अरे, और एक्चुअली ये बॉल के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, मैं देख रहा हूँ। मेरे से ये पुलकित भाई सभी ये सवाल करते हैं कि आपको ब्रीड हस्की रखने मुश्किल नहीं होते? मेरे हिसाब से तो इंडिया के लिए तो कोई ब्रीड बनी नहीं है, अगर मैं सच्चाई की बात बताऊं तो, क्योंकि ये सभी इंग्लिश ब्रीड्स हैं। तो मेरे हिसाब से जिनकी मेंटेनेंस अच्छी है, कई मैंने देखा छोटी ब्रीड नहीं मेंटेन कर पाते, कई उन्हें सेंट बर्नार्ड जैसी, ग्रेट डेन जैसी ब्रीड्स भी मेंटेन की हैं। मेरे हिसाब से आप जिस भी ब्रीड को मेंटेन कर सके इजीली, आपको उसी ब्रीड की तरह शिफ्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे कैसे मेंटेन कर रहे हैं? मैं तो बेसिकली मेरी कोशिश होती है, अब जैसे आजकल विंटर्स हैं, इनको जितना नेचुरल क्लाइमेट दिया जाए, जितनी देर इनको खुला छोड़ा जाए, या गर्मियों में ऐसा होता है एसी में छोड़ो, रात को इनको खुला छोड़ो, एसी में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, इतनी भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। बट अगर मेरे पास, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, मेरे पास हस्की के साथ साथ बाकी और भी ब्रीड्स हैं, तो मेरे को सेम ही उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ और सेम सब करना पड़ता है, चाहे वो डॉबरमैन है, चाहे वो डैक्शंड है, कोई भी ब्रीड है, चाहे वो शॉर्ट कोट की लॉन्ग कोट की है, मेंटेनेंस मेरे को सबको बराबर देनी पड़ेगी। सो गाइस, एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रीड जो कि एक इंडियन ब्रीड है, तो मैंने पहली बार ऐसे देखा कि पाजी कोई ऐसे कैनल में जहाँ पे इतने सारी अलग अलग बाहर की ब्रीड है, वो भी इम्पोर्ट, वहाँ पे किसी ने इंडियन ब्रीड रखी हो? जो ये राजा पल्लम ब्रीड है, ये बेसिकली एक इंडियन ब्रीड आती है हमारी। अगर आपने सुना होगा, एक बार ही जो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार इंडियन ब्रीड पे पर्टिकुलर स्पीच दी थी, कि जैसे लोगों ने क्या किया, इंडियन ब्रीड्स के इंडियन ब्रीड के साथ वर्किंग नहीं ली हमारी आर्मी ने भी बंदू, तो अब इंडियन आर्मी भी इंडियन ब्रीड्स के साथ काम कर रही है आगे आके। जैसे चाहे बेल्जियम शेफर्ड थे पहले, जर्मन शेफर्ड से, लैब्राडोर से, ये सब थी तो इंग्लिश ब्रीड्स ही है ना, ये हमारी इंडियन ब्रीड नहीं है, ये इंग्लिश ब्रीड्स ही हैं। तो अब इंडियन आर्मी ने भी एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड लिया है कि उन्होंने भी इंडियन ब्रीड्स के साथ काम करना शुरू किया। एक्चुअली अभी तक तो मैं नॉर्थ में शो करते हैं, मेरे को मेरे हिसाब से 2-3 साल हो गए इंडियन ब्रीड को शो करते हैं। मेरे अलावा मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं कि कोई इंडियन ब्रीड लेके आ रहा है, बट मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए इंडियन ब्रीड की, थोड़ा इनको भी पॉइंट। तो ये ब्रीड की क्या क्या आपको पॉइंट्स लगे, मतलब ये स्पेसिफिकली किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, गार्डिंग के लिए? तो ये बेसिकली हंटिंग डॉग्स हैं। अच्छा, ये ब्रीड किए गए थे, ये हंटिंग डॉग्स हैं। इनको एक 4x4 के रूम में रखा जाता था, जिसमें ना कोई दरवाजा ना कोई खिड़की होती थी। अच्छा, उसके अंदर एक बंदा लेडर से आता है। हाँ। लेडर से इनको फूड डाल के चले जाता था। उसके बाद इनको जब 7-8 महीने बाद निकाला जाता था, तो सिर्फ इनको हंटिंग के लिए निकाला जाता था, तो ये सिर्फ ऊपर देख रहे होते थे कि कौन आ रहा है मैं खाना देने। ये ऐसे पुराने टाइम पे ऐसे रखे जाते थे डॉग्स। अब तो चलो ये शो स्पेसिमेंस हो गए, हाइब्रिड्स हो गई। मैं देख रहा हूँ इनकी, इसकी अच्छी खासी हाइट, ऊंची ऊंची हाइट है, और यहाँ पे नॉर्थ में बहुत कम लोगों के पास होगा राइट ये? जी नॉर्थ में तो मेरे पास, मेरे को लगता है इनके अलावा कोई और। और आपने कहाँ से लिए थे ये? ये मैंने साउथ से लिए। वाओ जी, बहुत सुंदर है, दोनों के दोनों वाइटिश कलर के हैं, और एग्रेसिव तो होती नहीं है ब्रीड, या शांत रहती है? नहीं, बहुत फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी रखने के लिए। हेलो, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगे डॉबरमैन है। इनके इनके दांत दिखा सकते हैं? हाँ, वाइट वाइट। हम अच्छी प्रॉपर सीजर बाइट है पॉइंट।
सो भाई अभी बात कर रहे थे हम हस्की की, तो पर पाजी के पास तो यार डॉबरमैन भी कोई कम नहीं है। क्या नाम है पाजी इस डॉग का? इसका नाम है डीडी। डीडी जी, मुझे लगा पहले 3D। वाओ, और कितनी है इसकी? ये भी फीमेल क्रॉक्स 4 इयर्स की है। 4 इयर्स की, और ये ब्रीड इन इंडिया है या ये भी इम्पोर्ट है? नहीं, BI डॉग। वाओ यार, BI डॉग होके भी, और ये शोज वगैरह में लेकर जाते हो? बिकॉज ये बहुत वेल ट्रेंड लग रही है। ये मैंने इस साल भी बहुत अच्छे से शो की है फीमेल। वाओ, ये इस बार हमारे लुधियाने शो हुआ था तो ये बेस्ट इन शो फीमेल गई है। बेस्ट इन शो जी। अरे वाह यार, और इसकी कोई पेडिग्री वगैरह के बारे में बता सकते हैं आप हमें? ये थाईलैंड से इम्पोर्ट डॉग है, उस डॉग का नाम है डीजे। ये डीजे अच्छा। की डॉटर है। वाह यार, और एग्रेसिव है? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, तो लोगों अगर शो डॉग्स एग्रेसिव होंगे तो वो शो डॉग्स कैसे होंगे? हाँ, इसकी बाइट दिखा सकते हैं हम एक बार? हेलो, अरे वाह, देख रहे हो डॉबरमैन की जो कहते हैं ना बाइट बड़ी खतरनाक होती है, और वो सच में ही होती है गाइस। और बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड मुझे लग रही है ये फीमेल। वाह, बहुत स्मार्ट है गाइस। अब ये कैसी ब्रीड की बारी है जो हमने बहुत ज़्यादा बचपन में देखी है, और अभी ये बहुत कम हो गई है ब्रीड, है ना, बहुत लिमिटेड लोगों के पास कोई ब्रीड देखने को मिलती है अच्छे लेवल पे, जो कि है डैशहाउंड्स। हेलो, ओह देखना कितने खुश हैं बाहर आके। सबसे फर्स्ट डॉग है बोल्ट। अच्छा, ये इंडियन ग्रैंड चैंपियन डॉग है और अभी इस टाइम पे 8 साल का है। अच्छा, 8 साल का है ये वाला डॉग। मेरे साथ इतनी जगह ट्रैवल की है, इतनी जगह घुमा है साथ। वाओ, सबसे इसकी बेस्ट चीज है ये हग करता है। बोल्ट कम हियर। अरे वाह, और ये कौन है? ये इसी का ही सन है। अच्छा, ये इसका बेटा है। हेलो, तो दोनों के दोनों जो हैं ये स्टड डॉग्स हैं जी। और ये अभी इसको हमने स्टड पे छोड़ना बंद कर दिया क्योंकि ड्यू टू हिज एज ये का ये। और ये पूरे टाइम इन्होंने मतलब डॉग शोज वगैरह किए हैं, राइट? पूरा अटेंड किए हैं, बहुत जगह लाइनअप लगाए हैं डॉग, और बहुत ही तब फेमस डॉग था, अब तो एज हो गई है इसकी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो लो जी गाइस, अभी आए हैं बहुत सुंदर सा गोल्डन रिट्रीवर। ये मेल है पाजी? वाओ, कितनी एज है इसकी? ये 4 इयर्स। 4 इयर्स, अरे वाह यार, बहुत सही, बहुत हमारी खुद की ब्रीडिंग का डॉग है। अच्छा जी, और वो जो पीछे गोल्डन रिट्रीवर है वो फीमेल है? वो इस फीमेल है। वाओ, तो आपने मतलब मोस्टली सारे डॉग्स जो है वो पेयर्स में रखने की कोशिश की है ना? बिल्कुल, एक्चुअली कई बार ब्रीडिंग गलत ना हो जाए, कोई गलत ब्रीड का मेल किसी और से मत ब्रीड कर बैठे, इसीलिए ये ब्रीडर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले ही ऐसे डॉग्स को पैकेजेस में बना के रखो कि कभी कोई मिक्स नहीं हो सवाल। और ये किस डॉग का बच्चा है, कुछ बता सकते हो इसकी पेडिग्री के बारे में? ये हमारे लुधियाने में हमारे लुधियाने में डॉक्टर मांगट है। हाँ जी, उनके पास एक डॉग है ग्रॉप द लिटिल लॉयन। ओके, वो इम्पोर्ट डॉग है, तो हमने फीमेल हमारी खुद उससे ब्रीड की थी। अच्छा, जिसमें से हमने ये अपना एक पपी मन पसंदीदा रखा था आज से 4 साल पहले। ओके गाइस, सो एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को अच्छी लगी है पाजी के यहाँ पर आके, बहुत एक जिसको मैं समझदारी वाली चीज कह सकता हूँ पाजी, अगर आप अपने किसी भी कैनल के अंदर आपका एक बहुत अच्छा सेटअप है जहाँ आप अपने डॉग्स को रखते हो, उनको है ना प्यार करते हो, तो आप मेक श्योर करें कि जब भी कोई इंसान बाहर से आता है ना तो वो ऐसे ही कैनल के अंदर ना घुसे, ठीक है ना। एटलीस्ट आप ब्लीच पाउडर रख सकते हो एंट्रेंस पे, और जैसे पाजी ने अपने हमारे लिए शूज के जो कवर हैं ये हमारे लिए अरेंज किए हैं, मास्क अरेंज किया जब हम पपी रूम के अंदर जाएंगे। सो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखने को कि देखो हमारे पास भी डॉग्स हैं, पाजी के पास भी डॉग्स हैं, तो ना चाहते भी कभी कभार क्या होता है ना हमारे अनइंटेंशनली हमारे से कोई गलती हो जाती है, उसकी वजह से सारा भुगतान जो है वो डॉग्स को भुगतना पड़ता है। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पर आ चुका है इनका रात को रुकने का सारा प्रबंध जहाँ पर होता है। नहीं, एक्चुअली रात को भी डॉग्स बाहर ही खुले होते हैं। अच्छा, ये केजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि जब ये इवनिंग में इनको अंदर कर दिया जाएगा, बाहर जिस जगह पे अभी ये खुले हैं वहाँ पे वॉश हो जाएगा। अच्छा, इनको आप 24/7 खुला ही रखते हो? खुला ही रखता हूँ, ये सिर्फ वॉशिंग के लिए अंदर। समझ गया कि गंदे ना हो, अलग अलग कर देते हैं। तो ये लो गाइस, वहाँ से एक सेक्शन खत्म हुआ है तो यहाँ एक अगला सेक्शन शुरू हो गया है। हेलो, जहाँ पे अभी ये मेल फीमेल है। अरे वाह, हेलो, अरे वाह, यहाँ रॉटवाइलर भी है अपने पास जी। लोग कहते हैं कि ब्रीडर्स कहते हैं कि ब्रीडर्स को बदनाम करते हैं कि आप अपने पुराने डॉग्स दे देते हो, फीमेल्स दे देते हो, मैं आपको 8-8, 9-9 साल पुराने भी अपने कुत्ते दिए। ये कितने साल पुराना है? ये जब मैंने डॉग फर्स्ट डॉग रखा था यही रखा था। अच्छा, जो इसके मैंने बारे में बताया
तो ये वैसे तो एक पेट क्वालिटी डॉग है। इसका नाम क्या है? ये इसका नाम हमने तब बुलेट रखा था। अच्छा बुलेट है जी। वाह, और ये गोल्डन रिट्रीवर अभी बाहर आया था, ये रहे नीचे डेशाउंस। ओके गाइस, अभी बारी है फिलहाल जो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ फीमेल से मिलने के लिए, वो इन सेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि ये सभी मुझे बहुत हाइपर एक्टिव लग रही हैं और मज़ा आने वाले इनसे भी अंदर मिलने। मुझसे कोई नहीं मिलने को तैयार, सभी को बॉल्स चाहिए। वाह, सो पाजी इनमें से एक सबसे ज़्यादा एज वाली कौन सी फीमेल है या सभी बराबर एज की हैं? अच्छा माधुरी है इसका नाम। माधुरी, और ये वाइट वाली का क्या नाम है? इसका नाम तारा है। तारा रशिया से इंपोर्ट है पूरा। अच्छा, अरे वाह। और ये ब्लैक वाली और ये पीछे एक रेड वाली, ये इसी की डॉटर्स हैं। वाओ, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप, और ये सभी ऑलमोस्ट ब्लू आईज है मेरे को लगता है। नहीं, इसके अंदर ब्राउन आईज भी है। अच्छा, येलो आईज है और दो ब्लू आईज है। वाओ, और ये इधर से ये इधर से कनेक्ट हो गए। हेलो, पहले हम उधर आए थे, अब इधर आए हैं। ओके गाइस, अभी हम आए हैं फिलहाल पपी रूम के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो है लिटर रूम है। तो यहाँ पे अभी हस्की के ही पपीज हैं सिर्फ। कितने पपीज हैं पाजी टोटल? दो पपीज हुए हैं। वाह, तो आप दिखा सकते हो निकाल के उनको पपीज को अपने हाथ में? एक्चुअली मैं खुद टच नहीं करता हूँ पपीज को। अच्छा जी, इनको मैंने गद्दा लगा के दिए हुए। वाह, नहीं बहुत प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है एक तरीके से। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि केजेस में क्यों किया है, पर इनको लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजेस इनके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे। राइट, सो ये इधर घुमाना, बच्चों को वार्म रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी होजरी है, तो जो मेरे स्वेटर्स की कटिंग होके वेस्टेज होती है जी, वो मैं उसको गद्दे में भरवा देता हूँ, जो बच्चों के लिए बहुत वार्म रहता है। क्या बात है। तो ये कितनी एज के पपीज है अभी? ये आज एक हफ्ते के हुए हैं। और इनका फादर कौन है? नीचे जो थॉर आपको दिखाया था। अरे वाह, ये मदर है इनकी। मदर एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। हेलो, ये दूसरा पपी है। और ये मेल फीमेल है? एक मेल एक फीमेल। अरे वाह, बहुत सही। ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड थैंक यू सो मच जयपा जी, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू। एंड आई रियली वांट आप अपना इंस्टाग्राम और अपना नंबर अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना प्लीज हमारी ऑडियंस को। मेरा इंस्टाग्राम मेरे जय मकड़ के नाम से ही है, और मेरा सेल नंबर है 9988577499। और जैसे मैंने बताया मैं कई बार अपने काम की वजह से बिजी होता हूँ, तो आप व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इन केस मैं किसी का कॉल नहीं पिक कर पाता हूँ, मैं उसको जरूर व्हाट्सएप पे जवाब। सो आप क्या कर सकते हैं गाइस, मेक श्योर आप भाई जी को अगर कोई भी सीरियस क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी लिखें, जैसे वो टाइम निकालेंगे वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। और एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो आपने इस वीडियो के अंदर आपको जो उनसे सबसे बेस्ट ब्लॉग लगा उसका कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।